तो जी हम लोग पहुंच गए हैं गोवा में और ये है हमारा रूम। यहाँ से एंट्री करो, यहाँ पर सिटिंग एरिया है और ये है बेड। ये है हमारा रूम छोटा सा, क्योंकि आज एक दिन के लिए है, कल हम लोग शिफ्ट कर लेंगे और एक जगह पर। आज के लिए मैंने बोला था ना, हमने कोई बुकिंग नहीं किया है इसीलिए। और ये है कबोर्ड जिसपे सामान रख सकते हो, तिजोरी है कोई अगर तिजोरी में सामान रखे। और ये है टी सेक्शन, ग्लास दिए हैं टी सेक्शन, कुछ नहीं। नीचे आई थिंक फ्रिज होगा, है फ्रिज। फ्रिज के अंदर कुछ नहीं है क्योंकि ये जो होटल है ये पूरा न्यू है, यहाँ का लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। और ये है वॉशरूम, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक ठाक है। बस एक कारपेट नहीं है नीचे, उसकी कमी लग रहा है, और बाकी रूम ठीक है। यहाँ पर बैठकर कोई अगर काम करना चाहे तो ये टीवी है। और ये है बाहर का एरिया जहाँ पर एसी का ये भी है। और बाहर गोवा में बहुत गर्मी है, बहुत पसीना हो रहा है। हटो थोड़ी देर, यहाँ से कलिंगुड बीच जो है वो 2 किलोमीटर ही है। हाँ अंदर आ जाओ, फिर आ जाओ अंदर, वरना मैं बंद कर दे रही हूँ, बंद कर रही हूँ। यहाँ से 2.5 काम नहीं कर रहा है, 2.5 किलोमीटर में है बीच। तो हम लोग यहाँ पर आज रात के लिए ही है, कल सुबह तो हमें हमारा, हमने जो होटल हम लोगों के लिए बुक किया है 2-3 दिन के लिए, वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वापरे पर यहाँ पर लिफ्ट काम नहीं कर रहा है ना, पूरा चल चल कर आना पड़ा सीढ़ियों से। हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको गोवा से वेलकम है। हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर, हम लोगों ने थोड़ा कुछ ऑर्डर करके खाया, ये है चिली चिकन और हमने क्रिस्प चिली बेबी कॉर्न ऑर्डर किया था। तो बेबी कॉर्न तो हमने खा लिया पर चिली चिकन नहीं खाया क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसीलिए हमने चिली चिकन, और वो क्वांटिटी भी बहुत कम था। आई थिंक आज 8 पीस दिया था, उसमें से 4 पीस बच गया है और 4 पीस हमने बहुत मुश्किल से खाया, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है, 400 का था एक प्लेट, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। टी पी लिया और बस कहीं खा लिया, बाकी बाहर जाकर खा लेंगे क्योंकि इतना गंदा चीज़ कौन खाएगा। तो सोचा था कि आज बाहर जाएंगे ही नहीं, आज घर पे ही रह जाए, मतलब रूम पे ही रुकेंगे, पर अभी हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं, थोड़ा बीच के साइड जाकर आते हैं। तो हम सब निकल गए हैं, ड्रेस किसी ने भी चेंज नहीं किया है, जो पहनकर आए थे वही पहने हैं अभी तक, क्योंकि जाकर मतलब रात हो गया है और मन भी नहीं है, बहुत टायर्ड हो गए हैं। पर हाँ, आकर ऐसे बैठ कर कोई फ़ायदा नहीं, गोवा में आओ और बैठो, बीच पास में ही है, 1 किलोमीटर में बीच है, मतलब 2.5 किलोमीटर में वो घूम कर जाओ तो बीच एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस जो होता है, पर यहाँ पर शॉर्टकट है जो इन्होंने बताया, वो 1 किलोमीटर में ही है। तो 1 किलोमीटर भी नहीं, उससे भी कम में है, तो हम लोग चलकर चले जाएंगे सोच रहे हैं, या पर अगर घूम कर जाएंगे मेन एंट्रेंस से तो हम कार पे जाएंगे। तो चलिए निकलते हैं, ये लोग कुछ चीज़ें हैं जो हम लेकर नहीं जा रहे हैं तो अंदर रखने की दोनों कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए निकलते हैं। ये है कलिंगुड बीच, यहाँ पर इतना भीड़ है, हाँ।
आप सबने देखा हम लोग जाकर आ गए हैं बीच में। आई होप आप सबने देखा होगा, हमने भी बहुत मजा किया वहां पर बैठे थे। इतना म्यूजिक आ रहा था और ज्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना आवाज हो रहा था और कुछ बोलती ना, मेरा गला इतना दुख रहा था। तो फाइनली हम आ गए हैं आज। तो चलिए अभी हम चलते हैं होटल। और ये वाला था कलिंगुड का जो रात वाला ब्लॉग था, इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय करो। बाय बाय।